हाय फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड में। एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे वॉर के बारे में। यस गाइस, जो लास्ट वॉर हमारा बीता था काफ़ी इंटरेस्टिंग एक वॉर था। मतलब अजीब अजीब वो गरीब चीज़ें हुई हमारे साथ लास्ट वाली वॉर में। मैं आपको फटाफट लिए चलता हूँ जो लास्ट वाली वॉर थी हमारी, और यहाँ पर आप देख पाएंगे गाइज। यस, 60 एंड एनिमी ने हमारे सिर्फ 3 स्टार्स स्कोर करे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था। आपको पहले एक चीज़ मैं दिखा दूँ गाइज़, ये बेसिस आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पहले नंबर 1 पे मैं था, नंबर 2 पे गौतम था, एंड बाकी सारे कुछ टाउन हॉल 10s वगैरह थे, उसके बाद कुछ टाउन हॉल 9s वगैरह थे। एंड एनिमी के पास 3 टाउन हॉल, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, आप देख पाएंगे। जो नंबर 1 बेस था उनका, वो टाउन हॉल 12 था, डिसेंट लेवल का एक टाउन हॉल था। उसके बाद जो बेस था वो भी टाउन हॉल 12 था, और उसके बाद जो बेस था वो भी टाउन हॉल 12 का बेस था। एंड उसके बाद से मेरे को इतना तो पता नहीं, टाउन हॉल 11 वगैरह वगैरह जो भी थे। अब सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि एनिमी ने अटैक नहीं करे, उन्होंने सरेंडर क्यों किया। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था कि क्यों। अब देखिए, कोई भी एनिमी अगर सरेंडर करता है, मतलब वो अटैक्स वगैरह नहीं करता है, तो वो तो पहले से प्लान करे होंगे शायद से, पता नहीं। उन्होंने क्लैन कासल में डोनेट किया था, उन्होंने सारे के सारे क्लैन कासल में डोनेट किए थे, वो भी अच्छे अच्छे ट्रूप्स डोनेट किए थे। मैक्स ड्रैगन, मैक्स बलून्स, मैक बेबी ड्रैगन्स, वेलक्रीज वगैरह सब कुछ डोनेट किया था, बट अटैक नहीं करा। बट इन फाइनली एक बंदे ने एक अटैक किया, वो भी काफ़ी शॉकिंग लगा मेरे को। आप देख सकते हैं गाइज, बिल्कुल ही वॉर खत्म होने का जो लास्ट अटैक था, उसने बंदे ने अटैक किया। नंबर 18 ने नंबर 20 को अटैक किया, 3 स्टार्स यहाँ पे सिक्योर किया। बट मेरे को ये चीज़ अजीब लगी कि भाई उन्होंने अटैक्स क्यों नहीं करे। हो सकता है फेल होते हैं, जो भी होता है होता है, सरेंडर करने की क्या ज़रूरत थी। आप लोग एक बार कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है, कि क्या सोच थी उनकी। बोलिविया का क्लैन था यहाँ पे, और कुछ डिस्क्रिप्शन में पता नहीं क्या लिख रखा है, मेरे को तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। बट गाइज, यहाँ पे कुछ अच्छे अटैक्स हुए थे जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एंड शुरू करूँगा मैं नंबर 1 के अटैक से, जो कि बहुत ही अच्छा अटैक लगा था मेरे को। ये था बेस। आप देख सकते हैं जो बेस डिज़ाइन है, वो बहुत सारे आइलैंड्स में बटे हुए हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड चारों तरफ से कुछ आइलैंड्स जैसे बेस थे यहाँ पे। इस बंदे ने यहाँ पे एक किल स्क्वाड यूज़ करा है, उसी के साथ यहाँ पे उसने लावा लूनियन किया हुआ है। मैक्स हीरोज बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं यहाँ पे, इसके सारे के सारे हीरोज किंग क्वीन एंड वार्डन सारे के सारे मैक्स है। सीज मशीन यहाँ पे डिप्लॉय किया, उसी के साथ अपने हीरोज को यहाँ पे इसने डिप्लॉय करा इस बंदे ने, और यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन से थोड़ा सा पाथ बना दिया था, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया इसने। बोलर्स थे इसके पास यहाँ पे कुछ, और सीज मशीन के अंदर भी बोलर थे, तो ऑल ओवर बहुत सारे बोलर्स यहाँ पे इसे यूज़ करने को मिले, और बोलर से काफ़ी अच्छा काम किया, तगड़ा काम किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, सीसी में मैक्स बलून्स और मैक्स ड्रैगन था, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि भाई इन लोगों ने सब ट्रूप्स वगैरह तो ठीक ठाक डोनेट किया था, बट अटैक्स क्यों नहीं करे, ये मैं शॉक में रह गया। एक दो अटैक करते फिर भी मेरे को लगता कि भाई चलो, बट एक भी अटैक नहीं किया। एकदम फाइनल टाइम में एक अटैक उन्होंने किया बस, और एक ही अटैक उन्होंने 3 स्टार स्कोर किया। थोड़ा सा शॉक में था, बट पता नहीं क्यों, इसका रीज़न क्या, ये भी मेरे को कुछ नहीं पता। बट ये जो अटैक था ये मेरे को काफ़ी पसंद आया गाइज। रोटेशनल लालून हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिफ्ट वाला जो 2 आइलैंड था, वो दोनों क्लियर हो चुके हैं। अब बस कुछ कंपार्टमेंट्स यहाँ पे, 2 एक कंपार्टमेंट्स बचे हुए हैं, और बहुत सारे बलून्स यहाँ पे बचे हुए हैं, लावा हाउंड बचा हुआ है। सो बेसिकली ये बेस अब टिक नहीं सकता। एक हेस्ट बिल्ट बचा मेरे ख्याल से लास्ट जो कंपार्टमेंट है। यहाँ पे एक विजिट टावर है जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं बलून्स को, तो उसके सामने यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। और सारे के सारे लावा जो हैं वो पप्स हो चुके हैं, इसके वजह से जो बेस क्लीन करने का जो टाइम है वो भी इनफ टाइम मिला यहाँ पे, और ये बेस आराम से क्रश कर गया। सो बहुत अच्छा अटैक था, और काफ़ी मेरे को अटैक पसंद आया। 2 अटैक्स हुए थे बेसिकली, सेम अटैक, 2 बेस एक ही थे, और यहाँ पे हमें 3 स्टार देखने को मिला, बहुत ही कन्विंसिंगली 3 स्टार देखने को मिला। मज़ा आया इस अटैक में भी। और जो मैक्स बलून्स हैं, रेड बलून्स भाई, एकदम चुम्मेश्वरी बलून्स हैं। क्या क्या दिखते हैं, क्या लुक है उनका, और क्या डैमेज है भाई, शाबाश, एकदम मेरे को मज़ा आ गया गाइस। बलून्स जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैक्स बलून्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बलून्स हैं। अब चलिए एक अटैक मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि नंबर 6 के ऊपर हुआ था, काफ़ी अच्छा अटैक मेरे को लगा था ये। चलिए आपके दिखाता हूँ ये आप देख सकते हैं, ये बेस बहुत कॉमन बेस है, बहुत जगह मैंने ये बेस देख रखा है, और यहाँ पे HGH भी यूज़ हुआ है, तो HGH भी बहुत एक पावरफुल अटैक है। और मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीज मशीन यहाँ पे डिप्लॉय करा है, क्योंकि यहाँ पे कंपार्टमेंट में किंग और क्वीन की एक्सेस मिल जाती है, उसी के साथ क्लैन कैसल की एक्सेस भी मिल जाएगी। सो वर्थ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लैन कैसल में फिर से ड्रैगन और 2 बलून से। सो यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन्होंने डोनेशन तो प्रॉपर करे थे, बट पता नहीं अटैक क्यों नहीं करा और सरेंडर कर दिया। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। सो यहाँ पे फाइनली थोड़े कुछ डिफेंस एक दो बचे हुए हैं, और बेस आराम से क्लियर हो गया, और क्वीन अभी भी पड़ी हुई है, उसकी हेल्थ भी ठीक ठाक है, हीलर ने हील भी कर दिया। सो यहाँ पे ये बेस भी बड़ा इजी बेस है, ऐसा कोई नहीं था कि बहुत टफ बेस था, आराम से ये बेस भी क्लियर हो गया गाइज। सो एक अटैक मैं और दिखाऊंगा, और उसके बाद रैप अप करेंगे इस वीडियो को। एंड कोशिश करता हूँ एक टाउन हॉल 9 का अटैक आपको दिखा पाऊँ। सो देखते हैं टाउन हॉल 9 का, तो शायद ये भी टाउन हॉल 9 का अटैक नहीं है, किलर बॉय ये शायद टाउन हॉल 9 का अटैक है, तो चलिए एक टाउन हॉल 9 का अटैक देख लेंगे। और नहीं,
ये टाउन हॉल 10 था, बट ऐसा कोई मैक्स वगैरह कुछ नहीं था। इनके पास बहुत सारे इंजीनियरिंग अकाउंट्स थे, बट इन्होंने अटैक नहीं करी, ये मैं काफ़ी शॉक में रह गया। बट चलिए जो भी होता है होने दो। सो यहाँ पे एक अटैक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बेस काफ़ी डिसेंट सा बेस है, वॉल्स बहुत अच्छे से अपग्रेड किए हैं इसने, बट इसके डिफेंस थोड़े से लो हैं। बट यहाँ पे लावा लूनियन यूज़ किया गया और स्पैम मेरे को लग रहा है स्पैम किया जाएगा यहाँ पे लावा लूनियन। इसके भी सीसी में आप देख पाएंगे यहाँ पे एक ड्रैगन है और मेरे ख्याल से दो बलून थे। तो इन्होंने सीसी तो प्रॉपरली डोनेट किया था, हर एक क्लैन कासल में डोनेट ठीक ठाक किया था, बट यहाँ पे इन्होंने अटैक नहीं किया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर इनके क्लैन में जा पाता तो मैं पूछता जाके कि क्या मेंटेलिटी थी कि इन्होंने अटैक्स वगैरह नहीं करे। सीसी से बलून्स निकले हैं, बट लावा लूनियन में बलून्स कुछ डैमेज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे सारे के सारे बलून्स से स्पैम कर दिए, जैसे कि स्पैम लावा लून होता है, क्योंकि बहुत बेस ईजी था तो आराम से ये बेस भी क्लियर हो गया। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, बट इतना ईजी अटैक था, यहाँ पे दिखाने लायक कुछ था ही नहीं। सो ये भी 3 स्टार हो गया गाइज, और बहुत अच्छा मज़ा तो आ गया क्लैन ये वाला इसमें वॉर में, क्योंकि ऐसा अगर सरेंडर करते हैं आर्मी तो फिर आराम से जीत जाते हैं हम लोग, कुछ प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है। बट ऐसा होता कब है, बहुत रेयरली होता है गाइज। सो गाइज ये थी आज की वाली वीडियो, होप श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सुझाव है तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और कल के वीडियो में आपने बहुत अच्छा पॉजिटिव कमेंट दिया जो मैंने बनाया था कि इम्पॉसिबल एक्सपेरिमेंट। सो आपको पता है कल संडे है एंड संडे को और एक वीडियो आएगी, और जो जो आपने अटैक्स रिकमेंड वहाँ पे मेरे को करे थे वही अटैक्स मैं आपको दिखाऊंगा। सो होप श्योर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक कर देना, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए अच्छे रहें, एंड एज यूजुअल गाइज जय हिंद।